नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। देश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 93 निर्वाचन क्षेत्रों में 64.58% मतदान हुआ। असम में सबसे अधिक 81.71% मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश में सबसे कम 57.34% रही वोटिंग। तीन चरणों में 543 में से 282 लोकसभा सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण में कुल मतदान प्रतिशत क्रमशः 66.14% और 66.71% रहा। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में चुनावी ड्यूटी में लगे कर्मचारियों और ईवीएम को लेकर जा रही बस में लगी आग, कर्मचारी सुरक्षित, 4 मतदान केंद्रों की ईवीएम क्षतिग्रस्त। हरियाणा में 3 निर्दलीय विधायकों द्वारा भाजपा ने सरकार में समर्थन वापस ले लिया। कांग्रेस ने की राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग। लोकसभा चुनाव के बीच मायावती का बड़ा फैसला, आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया और परिपक्व बताते हुए उत्तराधिकारी बनाने का फैसला भी वापस लिया। हैदराबाद में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, शहरों में कई जगहों पर जलभराव की वजह से सड़कों पर लगा जाम, दीवारें गिरने से 7 लोगों की मौत। एस्ट्राजेनेका का बड़ा फैसला, दुनिया भर से वापस मंगाई कोविड वैक्सीन, भारत में कोविशील्ड के नाम से हुआ था वैक्सीन का इस्तेमाल। चालक दल के सदस्यों की कमी के कारण एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कई उड़ानें रद्द की, चालक दल के अनेक सदस्यों के बीमार होने की सूचना। नीरव मोदी को लगा झटका, ब्रिटेन की अदालत ने खारिज की जमानत याचिका, कहा उसके न्याय की पकड़ से भागने का खतरा। महामंडलेश्वर पद का सौदा करने के आरोप में निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर मंदाकिनी पुरी को निकाला, मंदाकिनी ने अपने आश्रम में पी लिया कीटनाशक, अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये थे आज के फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।